नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के बाद ऐसे कौन से प्रोडक्ट डाला जाए, ऐसा कौन सा उर्वरक डाला जाए जिससे कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसकी पैदावार बढ़ सके और जो हमारी गेहूं की फसल के जो पौधे हैं उनके अंदर कल्लों की संख्या इतनी बढ़ जाए कि हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सके, एक अच्छा बेनिफिट हम ले सकें। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, पहली सिंचाई लगभग कुछ किसान भाई कर चुके हैं, कुछ किसान भाई अभी बोने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ किसान भाइयों ने भी पलेवा भी करना शुरू किया है। तो किसान भाइयों, पहली सिंचाई के बाद ही ये काम आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहली सिंचाई के पहले ही अगर यदि आप ये काम करते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप विशेषकर ध्यान दें कि पहली सिंचाई के लगभग 3 से 4 दिन के बाद आपको ये काम करना है। जब आपके खेत के अंदर जो आपका पैर सारने लगे आपका खेत, यानी कि जब आप उस खेत के अंदर पैर डालें तो ऐसा ना हो कि पैर उसके अंदर गुथ जाए, जब हल्की हल्की मिट्टी आपका पैर संभालने लगे उस समय पर आपको इन प्रोडक्टों का, इन उर्वरकों का प्रयोग करना है जिससे कि जो आपकी गेहूं की फसल है इसके जो कल्ले हैं कल्लों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप उम्मीद भी नहीं लगा पाएंगे कि ऐसा हो सकता है। यानी कि गेहूं के एक दाने से लगभग आपको 15 से 16 कल्ले निकलकर तैयार हो जाएंगे। मैं ऐसा प्रोडक्ट आपको बताऊंगा और इसका उपयोग आपको पहली सिंचाई के 3 से 4 दिन के बाद ही करना है। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई के बाद ऐसा क्या डाला जाए जिससे कि जो गेहूं की पैदावार है वह 1.5 गुनी या 2 गुनी तक बढ़ जाए और किसान भाइयों को एक अच्छा मुनाफा मिल सके। किसान भाइयों, इसमें आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले यूरिया की मात्रा ले लेनी है, 40 से 45 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है और इसमें आपको सल्फ़र की मात्रा आपको 5 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सल्फ़र की मात्रा लेनी है आपको 5 से 8 किलोग्राम। और जो सागरिका, ये इफ़को का उत्पाद होता है, सागरिका लेनी है आपको 10 किलोग्राम, यूरिया 40 किलोग्राम, सागरिका 10 किलोग्राम, यूरिया 40 किलोग्राम, सागरिका 10 किलोग्राम और सल्फ़र 5 से 8 किलोग्राम आप ले सकते हैं, एक एकड़ की डोज में आपको बता रहा हूँ। और इन तीनों को आपको अच्छे से मिक्स करके अपनी गेहूं की फसल में इसका बिखराव करवा देना है किसान भाइयों। उसके बाद आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन के अंदर आपकी जो गेहूं की फसल है, जो गेहूं के पौधे हैं इनके अंदर कल्लों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। किसान भाइयों, यूरिया की मात्रा आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, यूरिया की मात्रा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको लगभग 120 से 125 किलोग्राम पूरी गेहूं की फसल में लेनी होती है। ये मैं आपको लगातार अगली वीडियो में बताता रहूँगा कि कब आपको कितनी मात्रा लेनी है। इस समय पर आपको सिर्फ यूरिया 40 किलोग्राम, सागरिका 10 किलोग्राम और सल्फर की मात्रा 5 से 8 किलोग्राम लेनी है जिससे आपकी जो गेहूं की पैदावार है वह काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, यदि आपको मेरी जानकारी सही लगी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपकी भी कुछ विचार हैं, आप भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी नीचे मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी जानकारी को भी आगे साझा करूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।